नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। 3 मार्च से शुरू होने वाले ऐतिहासिक राष्ट्रीय पर्व होला मोहल्ला की तैयारियों का जायजा लेने डीसी रूपनगर प्रीति यादव ने एसडीएम ऑफिस नंगल में बीबीएमबी नंगल नगर कौंसिल एनएफएल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और नंगल के निर्माणाधीन फ्लाईओवर का मौके पर जाकर जायजा भी लिया। इस मौके पर सिटी हलचल से विशेष बातचीत में डीसी रूपनगर प्रीति यादव ने कहा कि 3 मार्च से शुरू होने वाले ऐतिहासिक होला मोहल्ला पर्व की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन नंगल नगर कौंसिल एनएफएल और बीबीएमबी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, ताकि 3 से 8 मार्च तक चलने वाले होला मोहल्ला मेले में देश विदेश से आने वाली संगतों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस दौरान क्या कहा डीसी रूपनगर प्रीति यादव ने, आप भी सुने। नंगल का दौरा कर रहे हो, की मकसद की है? थोड़ा जहा जी साडा कोशिश सी, इतने ब्रिज दे काम है, ट्रैफिक दी समस्या है, सड़कां दा बाकी डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे है, तो ओदे बारे रूटीन दौरा ही है कि उन्हां दी प्रोग्रेस चेक करना या कितने कितने कोई इशू आ रहा है, क्योंकि अड अड अदारे है इतने, तो कई बार कोऑर्डिनेशन दे काफ़ी इशूज होंगे, तो अज मौके पर ही सारे बुलाए हैं ताकि उत्थे ही खड़ के मसला हल हो चुके, और दूजा कि जी लोगों इमीडिएट थोड़ी रिलीफ भी दिखन कि जी काफ़ी टाइम तो जो मसले अटक रहे हैं कुछ उन्हों का अगे हो रहा है। मैडम, सब तो बड़ा मसला तो फ्लाईओवर का ही है, हूँ कितने मसला अटक है, कितनी देर तक जो कंप्लीट? उसी दिन मैं विजिट करन जा रही हाँ, ओदी सारी प्रोग्रेस भी देख रहे हैं, ऊपर भी मैं ट्रैक कराया है, जिते जिते पेंडिंग रहता है पर्सनली इंटरवीन करके उन्हों पूरा करा रहे हैं, ओदी प्रोग्रेस मौके पर ही देख रहे हैं। आज के मार्च तक हाँ जी संभव है, मैंने लगता है कि जी मोस्टली मार्च नहीं तो अप्रैल तक कोशिश पूरी है साड़ी, इसी करके बारी बारी विजिट्स भी कर रहे हैं कि हूँ डिले ना हो। जो मंत्री साहब कल आए थे उन्होंने कहा कि एक साइड तो आप मार्च हर हाल चलानी है, देखो कोशिश साड़ी यही रहेगी, पब्लिक सेफ्टी ते प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेरी प्रायोरिटी रहती है। कई बार ये होता है कि बहुत टाइम तो डिले हो रहा है मुद्दा और उन्होंने आखिर काली करके कुछ होता कुछ नेगेटिव ना हो जाए, तो पूरा होलिस्टिक तौर पर प्रोजेक्ट मुकम्मल करावे, तो जिन्नी छेती होगा उन्नी छेती उसमें फंक्शनल करावे, क्योंकि लोगों तो ज़्यादा सानू जल्दी हैगी कि उन्होंने समस्या हल हो सके। उत्थे ही जी विजिट करन जा रहे हैं, सारे अदारे भी बुलाए हैं कि जी मेंटेनेंस हो सकती है तो मेंटेनेंस कि किसका केड़ी एरिया है, क्योंकि कुछ सड़क बीबीएमबी के थले आती है, एक दूसरा हाइडल डिवीजन है, कुछ ईओ दी होंगी है, कुछ कंस्ट्रक्शन करके व्हीकल्स का लोड भी वध्या होया है, तो इंटरीम मेजर्स वास्ते ही असं विजिट रखी है। मैडम, कल मंत्री साहब ने आनंदपुर साहब छापेमारी की थी नगर कौंसल के कर्मचारियों से, क्या मैडम उससे कुछ ऐसा कमियां सी जिहड़ियां उन्होंने कहा कुछ कर्मचारी गैर कार्रवाई हो रही है? एसडीएम मैडम हैगे उत्थे, वो होलिस्टिकली देख भी रहे हैं और हूँ रेगुलर जी साडा, क्योंकि होला मोहल्ला आ रहा है तो साड़ी पूरी यही तुसी देखोगे कि जी सारे अफसर सड़क पर उतर के काम कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब मौके पर खड़ के काम करा रहे हैं। नंगल एसडीएम मैम कर लगन गए थे, पक्के एसडीएम कर लगन गए, मैम तो आनंदपुर साहब भी है, चलो देखो वो तो सरकार का फैसला है, वो मैं कुछ नहीं, असं चार्ज दिता हुआ है तो असं खुद कोशिश कर रहे हैं कि मैडम भी तो मैं भी जिन्ना हो सके इतने टाइम भी दईए तो प्रॉब्लम भी हल करिए। मैं ला रहा मैम ट्रैफिक बढ़ जानी है बहुत ज़्यादा, समस्या तो रेगुलर हैगी है होले मोहल्ले च बहुत ज़्यादा, वो मतलब ट्रैफिक लिए कोई अपने देखो स्थाई पुल बनाया गया उतो ट्रैफिक की व्यवस्था की जाऊगी? देखो जी साडा सारा फोकस ही ये है कि जी ट्रैफिक हमेशा जिथे भी रश पऊगा, इतने तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, पूरे पंजाब के भारों भी लोगों ने आना है, तो कोशिश साड़ी कि जी रस्ते जोड़े नहीं भी हो रहे तो उन्होंने पैचवर्क होकर लोगों को सहूलियत दी जाए, थोड़े ऑल्टरनेट रूट डाइवर्जेंस वन वे करके यदि प्लैनिंग ही कर रहे हैं। मैम ऐसा पॉसिबल है भी आप फ्लाईओवर जिदा मंत्री साहब कहते हैं एक साइड भी चला देंगे कुछ है पॉसिबल? देखो ये टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं चेक करना पैना, मैं इदा ही नहीं कह सकती। ठीक है जी, थैंक यू। इस मौके पर एसडीएम नंगल मनीषा राणा, तहसीलदार नीरज शर्मा, नंगल नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी भूपिंदर सिंह, सुपरिटेंडेंट खुशबीर सिंह के अलावा एनएफएल और बीबीएमबी के अधिकारी भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल, यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग,
निक्ट गोल्डन पैलेस अजोली मोड जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।